पहले मैंने बच्चे फुला जू पाले है, जो जैसे माड़ी अपने फुला पालता नहीं पाले है मैंने, कभी बच्चों को नहीं आने दिया मैंने दिक्कत, अगले भाई चीज की दिक्कत। जय हिंद जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय कर्मवीरों के साथ फिलहाल खड़ा हूँ, क्योंकि कर्मवीर जनाब उन्हें कहा जाता है जो अपनी मेहनत पर विश्वास और अड़क भरोसा कि मैं किसी से हाथ फैलाकर नहीं खाऊंगा चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। और ठीक इस कहावत को सच सिद्ध करते हुए एक दंपत्ति वृद्ध फिलहाल, पहले तो जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर कोई मदद करने का इच्छुक हो किसी भी प्रकार से, खाने पीने से लेकर कपड़े तक, और कोई धनराशि भी देना चाहता हो, कितनी भी अगर मदद करना चाह सकते हैं आप, 100, 200, 500, 100, 10, 20, 30, 50, किसी भी प्रकार से सहायता के इच्छुक हो, अगर आपके मन में सेवा भाव है थोड़ा सा भी, 100 में से 2% भी, वो भी चलेगा जनाब। फिलहाल भाऊजी नमस्कार। नमस्ते जी। भाऊजी कितने साल उम्र है आपकी? 70, 75, 80 साल। हाँ। और मैं देख पा रहा हूँ कि आंटी जी की भी इतनी इतनी है। तो भाऊजी इतनी उम्र में इस प्रकार का कार्य, जो आज के युवाओं की खास तौर पर बात करूँ, चाहे मेरे जैसे कितने भी हों, वो भी ये काम करने से कतराते हैं क्योंकि मेहनत बहुत है, उसके बावजूद आप कर रहे हैं, कारण क्या? पेट तो पालना है। हाँ जी। पेट में रोटी तो खानी है। बिल्कुल भाई। तो फिर कब करना और क्या करा जी, मेहनत मेहनत ना करा तो फिर खाओगे के? और अगर बच्चा पार्टी की बात करता हूँ, कितने बच्चे हैं और क्या वो आपका सहयोग करते हैं या नहीं? 2 लड़के हैं 2 लड़कियाँ हैं। लड़कियाँ का तो आप फोन कर दे, शाम तक ही आ जाएंगे। ठीक है। हाँ लड़के हैं, एक तो हमारे पास रहता है, वो तो बिल्कुल ही मदद नहीं करता है, और जो बड़ा वाला है वो थोड़ी बहुत मदद करता है, कभी 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 ले आ देता है सामान सामून, वो पैसा दे ला, कभी पड़ जाए जरूरत उस पर ले भी लिया, 1000, 100, 500, 400 रुपये। भाजी आपकी उम्र के हिसाब से जो मैं कट्टा देख पा रहा हूँ पीछे, ये विस्क इंसान से भी उठाना के बार मुश्किल हो जाता है, ये कट्टा कौन उठा कर लाता है? मेरा लड़का बड़ा वाला। अच्छा जी। वो ये लाता है, वो ये डालता है। तो वो आपका मतलब कुल मिला पूरा सहयोग करता है इस चीज़ के, कोई पैसे पूरे लेते हैं? पैसे लेता, किराया लेता है 100 रुपये, लेके आवा जो 100 रुपये लेता है जी। और के ऐसी क्या नौ बताना पड़ी बाबू जी, कि आप उनके पिता हैं आपका भाई, वो गाड़ी किराए की गाड़ी है, किराया ला दो उनके। अच्छा। जब उनकी वो किस्त ना भरी जाके तो किराए है, जब उनकी किस्त पूरी हो जाए तो बाबा, तो आप देखो मंडी जावेंगे लेके आवेंगे फिर आड़ छोड़ेंगे। तेल तो बाड़े है, तेल तो बाड़े हैं, हम सोचा दो गाने और ना देंगे, ले अपना ना दे दें, कोई अच्छी है तेल अपने दो वो कर लेंगे। एक बड़े बुजुर्गों ने कहावत सुनी थी कि जो माता पिता का जिगरा होता है जनाब, देख सकते हैं ये होता है असल माता पिता का जिगरा, कि ऐसे हालात ऐसी परिस्थिति के बावजूद भी आज भी मोह माया ममता बच्चों के साथ लगाव आज भी ज्यों का त्यों है, जो आज से 40-50 साल पहले भी बाबूजी बात करो तब भी था और अब भी है, ऐसे हालात होने के बावजूद। पहले मैंने तो बच्चे फुला जू पाले है, जो जैसे माड़ी अपने फुला पालता नहीं पाले है मैंने, कभी बच्चों को वो नहीं आने दिया मैंने दिक्कत, अगले भाई चीज़ की दिक्कत है। और मैंने कहीं ना कहीं सुना भी है किसी से कि आंटी जी की तबीयत भी खराब रहती है, क्या तबीयत में क्या खराब रहता है बताइए? ये भी ज़्यादा रहने लगी, पहले कौन चढ़ाया पास है ठीक हो जाए दे रही, अब हालात कौन सही कौन। अच्छा आंटी जी खून चढ़ते इस उम्र में? हाँ जी खून चढ़ता, मंगलवार को चढ़वा के लाओ मैं। हाँ जी। ये मंगलवार था नहीं, इसको खून चढ़वा के लाओ। 3 दिन हुए हैं। अच्छा। 3 दिन हुए हैं खून चढ़वाया, थोड़ी बहुत चल पड़ू रही रोटी पानी लिया हूँ जाता है, नहीं तो मेरे सिर चक्कर आने लग जाए, पैर दुख है, हाथा से कोई नहीं कमी भी चला, तो इस करके ना फिर थोड़ी हिम्मत अच्छी हो जाए। तो मैं बात करता हूँ अंकल जी आपसे भी, खाना पीना घर में कौन बनाते हैं, आप मिलके या आंटी जी बना लेते हैं? आप अकेली बनाती है, मैं नहीं, मैं हाथ भी लाता आप पे बनावा जी, नोहा कोई जड़ी खा लिया, कोई दे को ठीक बन जाए वो खा लिया, नहीं तो अपने चौल बना लिया वो खा लिया है, कभी मिर्चा के कभी दाल घेर ली। सो फिलहाल जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया कर एड्रेस दोबारा नोट कर लें, लिख लें, फीड कर लें एड्रेस को अपने दिमाग में, कागजों में और मोबाइल में, ठीक ज्ञान केंद्र के बिल्कुल सामने, जिसे जिंदल टावर भी कहा जाता है उसके बिल्कुल सामने ये वृद्ध दंपति आपको किसी भी समय अगर दिन में आप आएंगे, चाहे वो मंगलवार हो चाहे वो संडे हो, हर दम यहाँ पर अपना पेट पालने के लिए, गुजारा चलाने के लिए, गुजर बसर के लिए आपको यहीं पर मिलेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति खास तौर पर देख रहा है इस वीडियो को, अगर किसी भी प्रकार से सहायता करने की इच्छुक हो, 50, 100, 10, 20 कपड़ों से रिलेटेड अगर मिलती जुलती कोई मदद करना चाहते हो, या फिर
राशन पानी से अगर जुड़ी हुई कोई भी मदद आप करना चाहते हैं तो कृपया कर सामने निकल कर आएँ। असल दान इसे ही कहते हैं जनाब, किसी जरूरतमंद को जूत रहते मदद देना वही एक सच्चा दान कहलाया जाता है। इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं खास तौर पर यही कहूँगा, कर्मवीर जनाब किन्हें कहा जाता है तो कर्मवीर इन्हें कहा जाता है, ना कि हमें। सो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया कर सामने निकल कर आएँ, किसी भी प्रकार की सहायता, दोबारा ये बात कहूँगा, किसी भी प्रकार की सहायता देना चाहते हूँ खाने पानी से लेकर, अगर और भी कोई आपको लगता हो कि आप सहायता देने में समर्थ हैं या असमर्थ हैं तो कृपया कर सामने ना ही आएँ, समर्थ हैं तो सामने निकल कर आएँ, मदद करें। किसी भी प्रकार से आपकी छोटी सी एक मदद किसी को खुशियां दे सकती है, उसकी दुआ दिल से निकली हुई आपको हजारों बार खुश रखेगी, यही कामना करता हूं। वीडियो को शेयर करें और जितने भी खास तौर पर युवा पीढ़ी आज के समय में इस वीडियो को देख रही है जो नशे में आदि उठती जा रही है, काम चोरी करती जा रही है, काम से खिसकने की कोशिश कर रही है, तो उनके लिए एक बड़ा तमाचा, क्योंकि इतनी उम्र के बावजूद भी हौसला आज भी बुलंद है, मांग करने खाने का हौसला, क्योंकि हर चौक चौराहों पर मैंने देखा है कि कोई ना कोई आपको मांगता मिल जाएगा, मार्केटरों में मांगता वो मिल जाएगा कि ऊपर वाले के नाम पर दे जनाब, तो उन थोड़ी सी शर्म करो, क्योंकि ऐसे हालात होने के बावजूद आंटी जी की एक बार परिस्थिति दिखा रहे लाल भाई एक बार दिखा दीजिए, इसके बावजूद भी मिलजुल कर वृद्ध दंपत्ति एक दूसरे को जिस प्रकार के हालात हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे पास भी शब्दों की कमी पड़ चुकी है, ऐसे हालात हैं, उसके बावजूद भी एक दूसरे की देखभाल करते हैं, एक दूसरे का रोज़गार में सहायता देते हैं ताकि पेट पाल सकें। वीडियो को शेयर करें और अपने बच्चों को फिर मैं यही दोहराता हूँ कि अच्छे संस्कार दे जनाब, ना कि आप ये कहें कि डॉलर या पाउंड कमा बेटा, ना, अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि अच्छे संस्कार ही बुढ़ापे में आपकी लाठी बनकर सामने आएंगे, क्योंकि जब आप डॉलर और पाउंड के पीछे भगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी कभी ऐसे हालात ना देखने पड़े जनाब। मैं यही परमपिता परमेश्वर से दुआ करता हूँ कि ऐसे हालात ना किसी माँ बाप को देखने पड़े, क्योंकि बच्चे को माँ बाप फूलों की तरह पालते हैं, एक माली की तरह, जिस प्रकार माली एक फूलों को बगीचे को जोतता है और किस प्रकार से उसकी देखभाल करता है, उसके बावजूद भी जब फूल ही कांटे निकाल कर दिखाने लग जाएं, बच्चे ही जब ऐसे हालात खड़े कर दें तो आप क्या कहना चाहेंगे। इसीलिए कहता हूं कि जिस तन बीते सो तन जाने, अच्छे संस्कार डालें, डॉलर पाउंड तो जनाब दा उम्र कमाते आप भी आए हैं, दा उम्र कमाते वे भी रहेंगे, पर अच्छे संस्कार कमाना बहुत ज़रूरी है।